चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर गांव में मीडिया को सर्वे करने के दौरान मालूम हुआ, इस गांव में केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकारी योजना का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। आइए पीड़ितों से बातचीत करते हैं और इनकी समस्या भी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में से थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर गांव में मीडिया को सर्वे करने के दौरान ही यह मालूम हुआ है कि इस गांव में से वे केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकार की योजना का लाभ वे ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही ये भी मालूम हुआ है कि ग्राम प्रधान सड़क नाली शौचालय तक ही बना है और वही पर जहां ग्राम प्रधान की वे कोई भी शिकायत कोई नहीं किया है। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। जी जी, मैं हरपुर का रहने वाला हूँ और पेशे से अध्यापक हूँ। तो जिस प्रकार से आप अध्यापक पद से आते हैं जी, और आपको इस विद्यालय से बड़ा लगाव होगा जी, तो आप अपने गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में कहीं प्रकार की कमी देखते हैं या फिर बच्चों में कहीं कमी या फिर मिड डे मील में कुछ कमी किस प्रकार कमी नज़र आती है? नहीं, इस सरकार में तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। बच्चों को जैसे टाइल्स लगवा देना कमरे में, बाउंड्री लग जाना, गेट लग जाना, MDM की व्यवस्था सुधर जानी, वर्तमान समय में बहुत परिवर्तन हुआ है प्राथमिक विद्यालय में। जैसे हमारे गांव का पहले हिंदी मीडियम स्कूल था, इस समय इंग्लिश मीडियम में चयन हो गया है, तो अध्यापक भी पूर्ण है और समय से हर काम व्यवस्थित होता है विद्यालय में। बच्चों की संख्या पहले 50 से 60 हुआ करती थी, अब लगभग 150 के आसपास बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जो योजना पिछले सरकार में थी, सरकार बदलने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी सरकारी स्कूलों में ये लागू करवाया जी, कि ड्रेस वितरित किए जाएंगे, बैग वितरित किया जाएगा, जूता मोजा सब मिलेगा, मिड डे मील भी मिलेगा जी, बच्चे अपना बर्तन खुद से नहीं धोएंगे और साफ सफाई भी स्कूल के कर्मचारी ही करेंगे। तो क्या ये सब देखने को मिलता है आपके विद्यालय में? जी जी, हर कमरे में डस्टबिन रखा गया है, सफाई कर्मचारी भी जाते हैं विद्यालय में। पर कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत हरिपुर, ब्लॉक बिरवार, जनपद बलिया। अभी मैं आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि आपके प्रधान का कार्यकाल 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इन 4 वर्षों में अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास किया और कितना विकास किया है? जो सरकार की तरफ से जो भी मतलब जो गांव के विकास में जो भी धन आया, पैसा आया, सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और विकास के काम में जैसे खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, या RCC है, या विद्यालय के विकास में भी जो कुछ सरकार का निर्देश था उसके अनुसार भी काम बढ़िया से किया गया है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो ग्राम को ग्राम सभा में लाभान्वित होने वाले, जिनमें मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है शौचालय और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आता है आवासीय। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव में कितना शौचालय निर्माण हुआ है, कहाँ तक हो चुका है, और शौचालय हो गया कितना और आवास कितना मिला है, किन किन लोगों को मिला है, पात्र हैं या पात्र हैं? जी सर, जो भी निर्देश जो मिला है केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से, उसके अनुसार ही लाभार्थियों का चयन किया गया, वही खुली बैठक में चयन किया गया, और पात्र व्यक्तियों को ही आवास हो या शौचालय की व्यवस्था हो, जो भी है उनके अनुसार किया गया। लेकिन अब की जो लिस्ट आ रही है उसमें तो शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है कि इन्हीं को आवास मिलेगा, तो गांव में आपके कई ऐसे लोग होंगे जो आपके आवास ना देने से नाराज होंगे, कोई ऐसे लोग भी हैं क्या? नहीं, नाराज तो लोग नहीं हैं, जो सरकार निर्देश दे रही है 2011 में जिस तरह की सूची है उसी के आधार पर आवास देना है, उससे अलग हट करके नहीं देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जो भी योजना हो, ये पहले से ही बना हुआ है, वर्तमान में हम नया बना करके सूची बना करके। कहाँ का रहने वाले हैं? हरपुर का। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? मनीष। जिस तरह से आपके प्रधान जी ने आपके गांव में विकास का कार्य किया है, क्या आप उनके द्वारा किए गए कार्य से खुश हैं, और खुश हैं तो किस? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए